हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर का एग्जामिनेशन पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे। ये सब्जेक्ट बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के पास होता है फर्स्ट ईयर में, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो सकता है या फिर सेकेंड सेमेस्टर में हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द मतलब आपने जिस भी सेमेस्टर में चूज़ किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जो सब्जेक्ट है इसका एग्जामिनेशन पैटर्न समझने से पहले आपको एक चीज़ पढ़नी होगी, समझनी होगी। वो चीज़ ये है कि ये जो सब्जेक्ट है जिसके क्लास 12th इंग्लिश में 80 से ज़्यादा मार्क्स होते हैं उसको दिया जाता है। इट मींस ये है कि ये जो सब्जेक्ट है, बाकी हम कंपेयर करें इंग्लिश फ्लुएंसी और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी से, तो उन दोनों ही सब्जेक्ट से ये वाला सब्जेक्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अब डिफ़िकल्ट है इसलिए बिकॉज ये जो सब्जेक्ट है इसमें आपको पैसेजेस दिए जाते हैं, अनसीन पैसेजेस। पैसेजेस के अंदर आपकी पैराग्राफ भी हो सकते हैं, पोएम्स भी हो सकता है, कोई ड्रामा भी हो सकता है, कोई फिक्शन भी हो सकता है। उन पैराग्राफ्स को रीड करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपकी ओपिनियन पूछी जा सकती है कि ये पैराग्राफ रीड करिए फिर अपनी ओपिनियन बताइए इस पैराग्राफ के ऊपर। तो एक तो हम अनसीन पैसेजेस ऐसे देखते हैं कि लाइक पैसेजेस आ गया और उसके बाद क्वेश्चंस आंसर दे दिए जाते हैं उसके, जिसको आप इजीली पैसेजेस में से ढूंढ कर लिख सकते हो। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा सा अलग है, इसमें ऐसा नहीं होगा कि पैसेजेस आ जाएगा और डायरेक्टली क्वेश्चंस आंसर्स आपसे पूछ लिए जाएंगे। पैसेजेस ज़रूर आएंगे लेकिन उसके जो क्वेश्चंस आपके होंगे वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे। आपको पैसेजेस की मदद से ही आंसर लिखना है लेकिन आपसे उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में आपकी ओपिनियन पूछी जा सकती है या कुछ और चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। तो सारा खेल जो इस सब्जेक्ट का है वो इसी चीज़ का है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए भाई, ठीक है। इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इट मीन्स कि आप इंग्लिश लिख सको अच्छे से, आप कोई चीज़ बता रहे हो तो उसको एक्सप्रेस कर सको राइटिंग में। वो चीज़ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मेन चीज़ है और आपकी थिंकिंग स्किल्स भी इसमें चेक करी जाती हैं। अंडरस्टूड? तो ये इस सब्जेक्ट का मोटिव है। अब इस सब्जेक्ट का हम एग्ज़ामिनेशन पैटर्न लेटेस्ट डिस्कस करेंगे जो 2022 में हुआ है, ईयर वाले बच्चों का हुआ है। अब आप बोलोगे सर 2022 में तो अभी अगस्त में आप पहले से कैसे डिस्कस कर रहे हो? भाई 2022 में जो ऐसे स्टूडेंट थे जो फेल होकर आए थे उनका पेपर जो हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे। अब भाई फेल होकर आने का मतलब ये नहीं है कि आप डीमोटिवेट हो जाओ कि भाई फेल होकर आए थे। अब भाई फेल होकर आने का मतलब ये है कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो पेपर नहीं दे पाते, वो रिपीट करते हैं, तो हम उनका पेपर डिस्कस करेंगे बिकॉज लेटेस्ट आपको एग्ज़ामिनेशन पैटर्न पता होना चाहिए इस सब्जेक्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर तो आपका वही 75 मार्क्स का रहेगा। अब ये जो पेपर है इसमें आपके दो सेक्शन हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। आपको तीन तीन क्वेश्चन करने हैं हर एक सेक्शन से, मतलब तीन सेक्शन ए से और तीन सेक्शन बी से, ठीक है। एक सेक्शन पर्टिकुलर सेक्शन 10 मार्क्स का है, दूसरा 15 मार्क्स का है। इट मींस कि एक पर्टिकुलर सेक्शंस में जो क्वेश्चंस हैं वो 10-10 मार्क्स के हैं और दूसरे पर्टिकुलर सेक्शंस में जो क्वेश्चंस हैं वो 15-15 मार्क्स के हैं। इस तरह से आप तीन तीन क्वेश्चन दोनों सेक्शन में से कर लेते हो तो आपके 30+45 इट मींस 75 मार्क्स आपके हो जाते हैं ईजीली, ठीक है। और चलिए अब शुरू करते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, आपके जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहते हैं उसका आंसर आपको 250 से 300 वर्ड्स में, और जो आपके 15 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर आपको 350 से 500 वर्ड्स में करना होता है। एक चीज़ और है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके टोटल 3 पैसेजेस हैं सिर्फ, तो इन 3 पैसेजेस के बेसिस पर ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लाइक पहला पैसेजेस आप देख सकते हो, पहला पैसेजेस बहुत लंबा था, यहाँ पे देखिए डियर लाइफ के ऊपर पैसेज है। इन ऑल माई ईयर्स आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू सी मल्टीपल शेड्स ऑफ यू। ये डियर लाइफ से कुछ चीज़ें बोल रहा है कि मैं पिछले कई सालों में मैं बहुत ज़्यादा लक्की हूँ, फॉर्चुनेट हूँ कि मैंने बहुत सारे फेसेस देखे हैं लाइफ के। एक्सपीरियंस यू इन सो मैनी डिफरेंट कलर्स एंड फॉर्म्स, तुम्हें अलग अलग कलर्स में एक्सपीरियंस किया, अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस किया है। आई हैव हैड द चांस टू अंडरस्टैंड दैट यू आर एन एंजाइम वन दैट इज़ वर्थ अनरवेलिंग एक्सप्लोजन एंड लिविंग। I initially feared the ambiguity and uncertainty you came with. I have now learned to enjoy it. मतलब basically ये है कि पहले मैं ये डरता था कि यार किस तरह से लाइफ की अनसर्टेनिटी को मैं फेस कर पाऊँगा, लेकिन चूँकि मुझे अब एक्सपीरियंस हो गया तो अब मैं इस चीज़ को इन्जॉय कर रहा हूँ। I have come to see that the
ट्विस्ट एंड टर्न्स दैट वन इज नेवर ट्रूली प्रिपेयर्ड फॉर ओनली मेक द राइट टर्न्स वर्थवाइल। इसके अलावा हाउ डज वन लाइव इज लाइफ वेल, आई डोंट थिंक देर इज़ अ डिफिनाइट आंसर। डिस्पाइट रिपीटेडली गेटिंग लाइफ लेसन इन मल्टीपल फॉर्म, इट इज़ हार्ड फॉर अ पर्सन टू रियली लर्न अनलेस दे गो थ्रू द एक्सपीरियंस देमसेल्फ। बेसिकली ये जो भी नरेटर है इस पैसेज के अंदर, वो ये बोलना चाह रहा है कि बिना किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करे हुए आप उस चीज़ को नहीं समझ सकते। ऑफन इट इज़ दीज सिचुएशन दैट फोर्स यू टू लर्न एंड अप्लाई वट यू माइट हैव नेवर लर्न अदरवाइज। ऐसी ज़िंदगी के अंदर कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो आपको कुछ नई चीज़ें सिखा देती हैं, और अगर वो सिचुएशन नहीं आएंगी तो आप नई चीज़ें नहीं सीख सकते। ये बेसिकली कहा जा रहा है पैराग्राफ में, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस विद येस यू हैव बीन ग्रेटर। दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, लिव लाइफ क्वीन साइज, आई हैव लर्न दैट वाइल यू माइट सीम लॉन्ग यू गो आउट बाय अ फ्लैश इन द विंक ऑफ एन आईज, एंड टू ट्रूली रिलीश यू वन मस्ट लिव यू विद पैशन कॉन्फिडेंस एंड इंटीग्रिटी। तो बेसिकली ये पैराग्राफ है, इसके अंदर सब पैराग्राफ लिखे हुए हैं पैसेजेस के अंदर, ठीक है। ये पहला पैराग्राफ आप देख रहे हो, दो पेजेस का हो गया, फिर तीसरा और चौथा पेजेस में भी ये पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है। एक पैराग्राफ यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया, इससे क्वेश्चंस कहाँ हैं अभी नहीं पता जी। अच्छा जी, फिर दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है जो कि आपका 141 वर्ड्स का है। इसमें क्या है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस, वन एक्वायर्ड एज अ चाइल्ड इन स्कूल, मेमोराइज फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट फ्रॉम बुक्स एंड फ्रॉम व्हाट द टीचर सेज, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ट्रेडिशनल साइंस एज वेल एज फ्रॉम द न्यू साइंस। विद सच इंटेलिजेंस यू राइज इन द वर्ल्ड, यू गेट रैंक्ड अहेड और बिहाइंड अदर्स इन रिगार्ड टू योर कॉम्पिटेंस इन रिटेनिंग इंफॉर्मेशन। बेसिकली ये इंटेलिजेंस की बात हो रही है कि इंटेलिजेंस दो तरह की होती हैं। एक वो इंटेलिजेंस होती है जो आपने बचपन में सीखी होती है, आपके स्कूल लेवल से किसी चीज़ को याद करना, बुक्स के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आपको गैदर होती है, टीचर्स के थ्रू जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, या फिर अलग अलग साइंस के थ्रू जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक वो इन्फॉर्मेशन मिलती है जिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप ग्रो करते हो, आप अलग अलग कॉम्पिटिशन में रैंक लेते हो, यू स्ट्रोल विद द इंटेलिजेंस इन एंड आउट ऑफ फील्ड ऑफ नॉलेज, गेटिंग ऑलवेज मोर मार्क्स ऑन योर प्रिजर्विंग टेबल्स। बेसिकली ये एक्सेलेंस की बात हो रही है, ठीक है। देर इज़ अनदर काइंड ऑफ टैबलेट, वन ऑलरेडी कम्प्लीटेड एंड प्रिजर्व इनसाइड यू, इंस्पायरिंग ओवरफ्लो इट्स स्प्राइट बॉक्स फ्रेशमैन। ये थोड़ा ब्लर है तो देखने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, बट ये सेकेंड पैराग्राफ है जो इतना लंबा नहीं है, इसमें इंटेलिजेंस से रिलेटेड बात हो रही है। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा लाइफ से रिलेटेड बात हो रही थी, अब तीसरा पैराग्राफ भी हम देख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चंस पर हम डिस्कशन करेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तीसरा पैराग्राफ क्या है, दे पास मी एवरी डे ऑन दियर वे टू स्कूल, बॉयज़ एंड गर्ल्स फ्रॉम द सराउंडिंग विलेजेस एंड द मार्केट्स, आई थिंक मार्केट्स है, एंड द मार्केट्स ऑफ द हिल स्टेशन, दे आर नो स्कूल बसेस प्लेइंग फॉर देयर चिल्ड्रन, दे वॉक फॉर मैनी ऑफ देम, इट्स वेरी लॉन्ग वॉक टू स्कूल, रणबीर हु इज़ 10 हैज़ टू क्लाइम द माउंटेन फ्रॉम हिज विलेज 4 miles distant and 2,000 feet below the town level. He comes in all weather wearing the same pair of cheap shoes until they have almost fallen apart. बच्चे की बात हो रही है, काफ़ी मेहनत करके स्कूल जाता था वो, काफ़ी पहाड़ चढ़ के स्कूल जाता था वो, और उसके जूते भी बेचारे के फटे हुए होते थे, जब तक फट नहीं जाते थे पूरी तरह से वो जूते नहीं छोड़ता था। तो ये बात हो रही है, रणबीर इज़ अ चेयरफुल सोल, ही वेव्स टू मी वेन एवर ही सीन मी एट माई विंडो। मतलब काफ़ी चेयरफुल बच्चा था, काफ़ी मोटिवेटेड बच्चा था वो, काफ़ी एक्साइटेड बच्चा था, मुझसे मिलता था जब भी वो मेरी विंडो से गुजरता था। समटाइम ही ब्रिंग्स मी कुकम्बर्स फ्रॉम हिज फादर्स फील्ड, अपनी फादर्स की फील्ड से कभी कभी मेरे लिए कुकम्बर लाता था। I pay him for the cucumber, मतलब कुकम्बर के लिए पे करता था वो बच्चे को।
ही यूजेस द मनी फॉर बुक्स एंड फॉर स्मॉल थिंग्स नीडेड एट होम। और वो उस पैसे से यानी कुकम्बर जो लेके आता था उसको पैसे जो मिलते थे उन पैसे से वो अपनी किताबें खरीदता था और जो उसकी घर की ज़रूरत का सामान है वो खरीदता था। मैनी ऑफ द चिल्ड्रन आर लाइक रणबीर, और अदर दूसरे बच्चे हैं जो रणबीर की तरह हैं, पुअर हैं बट स्लाइटली बेटर ऑफ देन वट दियर पेरेंट्स वर एट द सेम एज। पुअर हैं बच्चे लेकिन थोड़े बेहतर हैं जब उनके माँ बाप के मुकाबले, यानी उनके जो माँ बाप थे बच्चों के माँ बाप हैं वो जब वो उस बच्चे की एज में थे तो वो और ज़्यादा पुअर थे। दे कैन नॉट अटेंड द एक्सपेंसिव रेजिडेंशियल एंड प्राइवेट स्कूल दैट अबाउंड हेयर, मतलब महंगे स्कूल में वो नहीं पढ़ सकते बट मस्ट गो टू द गवर्नमेंट एडेड स्कूल विद ओनली बेसिक फैसिलिटीज। गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं जिसमें सिर्फ कुछ कुछ फैसिलिटीज होती हैं। नॉट मैनी ऑफ देयर पेरेंट्स मैनेज टू गो टू स्कूल, उन बच्चों में से बहुत सो के पेरेंट्स ऐसे थे जो स्कूल जा तक नहीं पाए, मैनेज नहीं कर पाए। दे स्पेंड देयर लाइफ वर्किंग इन द फील्ड्स, उन्होंने अपनी ज़िंदगी अलग अलग जगह पे काम करते हुए गुजारी, कभी दूध बेचते हुए गुजारी पहाड़ों में। द लक्की वन गॉट इन टू द आर्मी, कुछ लक्की थे जो आर्मी में चले गए। परहैप्स रणबीर विल डू समथिंग डिफरेंट व्हेन ही ग्रो अप, रणबीर कुछ नया करेगा जब वो बड़ा हो जाएगा। ही हैज़ येट टू सी अ ट्रेन बट ही सीज प्लेन्स फ्लाइंग ओवर द माउंटेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे। हाउ फार कैन अ प्लान गो, ही आस्क, उसने पूछा प्लान कितनी दूर जा सकता है। और पढ़ते हैं थोड़ा सा फिर क्वेश्चन पे हम आ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, तो थोड़ा ब्लर भी है। ऑल ओवर द वर्ल्ड आई टेल हिम, मैंने उससे कहा कि प्लेन से आप पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते हो, थाउजेंड्स ऑफ माइल इन अ डे, थाउजेंड्स ऑफ माइल तक आप जा सकते हो। यू कैन गो ऑलमोस्ट एवरी वेयर, यू विल राउंड द वर्ल्ड वन डे, ही व्यूज आई विल बाय अ प्लान एंड गो एवरी वेयर। फिर उसने कहा कि मैं प्लान खरीदूंगा और हर जगह जाऊंगा। एंड मे बी ही विल, और शायद वो ज़्यादा भी, ही हैज़ अ डिटर्मिनेंट चाइल्ड एंड अ डिफरेंट लुक इन हिज आइज, यानी कि उसकी आंखों में इच्छा थी और वो एक काफ़ी डिटर्मिनेंट था ये काम करने के लिए। अप टू अ फ्यू ईयर्स अगो वेरी फ्यू गर्ल्स इन द हिल्स और इन द विलेज ऑफ इंडिया वेंट टू स्कूल, कुछ साल पहले बहुत ही कम लड़कियाँ जो हैं इंडिया के गाँव से स्कूल जाती थी। दे हेल्प्ड इन द होम अनटिल दे वर ओल्ड इनफ टू बी मैरिड, वो अपने घरों का काम करती थी जब तक वो इतनी ओल्ड ना हो जाए कि उनकी शादी कर दी जाए, विच वॉज नॉट वेरी ओल्ड, जो काफ़ी ओल्ड नहीं था। बट देर आर नाउ जस्ट एज मैनी गर्ल्स एज देर आर बॉयज़ गोइंग टू स्कूल, लेकिन अब जितने लड़के स्कूल जा रहे हैं उतना ही हम देख रहे हैं गर्ल्स भी स्कूल जा रही हैं, लेकिन इंक्रीज़ हुआ है नंबर ऑफ गर्ल्स में जो स्कूल जा रही हैं। तो इसके साथ साथ दोस्तों और भी यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, पूरा हम डिस्कस करने बैठे हैं तो काफ़ी देर हो जाएगी। अब इसके थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब जैसे कि देखिए, अब तीन पैसेजेस हमने डिस्कस करे थे, ठीक है। अब पहला सेक्शन देखते हैं, पहले सेक्शन में आपको कोई तीन क्वेश्चन करने हैं, टोटल पाँच क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर वन और टू जो है वो पैसेज वन के बेसिस पर है, क्वेश्चन नंबर थ्री एंड फोर जो है पैसेज टू के बेसिस पर है, और क्वेश्चन नंबर फाइव जो है पैसेज थ्री के बेसिस पर है। अब क्वेश्चन नंबर वन में क्या पूछा जा रहा है आपसे, वाई डज द ऑथर ऑफ पैसेज वन कॉल लाइफ अ टीचर, ठीक है। हमने देखा था ना कि पैसेज वन में हम लाइफ की चीज़ें पढ़ रहे थे कि ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करो, कोई सिचुएशन ऐसी आएगी ज़िंदगी में वो आपको नई चीज़ें सिखाएगी, वो हम पढ़ रहे थे ना। तो पहला क्वेश्चन में पूछा है कि वाई डज द ऑथर ऑफ पैसेज वन कॉल लाइफ अ टीचर, यानी कि जो पहला जो पैसेज है उसमें जो ऑथर है उसने लाइफ को टीचर क्यों कहा है। व्हाट आर द बिगेस्ट लेसन ही शी, आई थिंक ही लिखा हुआ है, ही शी हैज़ लर्न फ्रॉम इट, उसने लाइफ से बड़ा लेसन क्या सीखा है। राइट अ, एक सेकंड क्या लिखा हुआ है, राइट अ रीजन आंसर विद क्लोज रेफरेंस टू द पैसेज, ठीक है। आपको आंसर लिखना है पैसेज का रेफरेंस देते हुए, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए अगर आप पूरा पैसेज पढ़ोगे तो। सेकेंड क्वेश्चन क्या है जो कि अगेन पैसेज वन से ही रिलेटेड है, सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं व्हाट डज द ऑथर ऑफ पैसेज वन मीन बाय एन एंजाइम वर्थ अनरेवलिंग, राइट अ रीजनेबल आंसर विद क्लोज रेफरेंस टू पैसेज वन, यानी कि एक स्टेटमेंट उसने बोली थी, इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, ये आपको लिखना है 250 से 300 वर्ड्स में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री आता है जो हमारा है पैसेज टू से रिलेटेड, राइट। इसमें क्या जो कि इंटेलिजेंस वाला था, हाउ इज़ इंटेलिजेंस एक्वायर्ड एज पर पैसेज टू, पैसेज टू के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस कैसे एक्वायर करी जाती है, जो हमने पढ़ा था कि बुक्स रीड करके, टीचर्स जो आपको गाइड करते थे उससे, वो सब चीज़ें, चाइल्डहुड से जो आपने स्कूल में इंफॉर्मेशन ली है।
अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, हाउ इज इंटेलिजेंट एक्वायर्ड एज पर पैसेज 2। ठीक है, इन व्हाट वेज डज इट हेल्प यू, इंटेलिजेंस किस तरह से आपको मदद कर रही है। पिक आउट वर्ड्स एंड फ्रेसिस फ्रॉम द पोएम इन पैसेज 2 टू सब्सटेंट योर आंसर, यानी कि जो पोएम्स हैं आपकी पैसेज 2 वाली पोएम थी, मुझे तो अभी पता चला, तो उसमें से आपको आंसर्स लेने हैं और बताना है कि जो इंटेलिजेंस है वो किस तरह से एक्वायर करी जाती है और इन व्हाट वेज डज इट हेल्प यू, ये आपको किस तरह से मदद कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज़ द सेकेंड काइंड ऑफ इंटेलिजेंस मैंशन इन पैसेज 2। पैसेज 1 पैसेज 2 में 2 इंटेलिजेंस थी, एक तो हमने पढ़ ली थी, दूसरी हमने ज़्यादा गौर नहीं करा था, तो ये वही पूछ रहे हैं कि जो सेकेंड काइंड ऑफ इंटेलिजेंस थी किस तरह से मैंशन करी गई है। लाइक अ फाउंटेन, फाउंटेन हेड, वाई डज द पोएट रिकमेंड इट, पोएट ने क्यों इसको रिकमेंड करा। 10 मार्क्स में आपको बताना है 250 से 300 वर्ड्स में। इसके बाद सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि लास्ट वाले पैरा में से है। रिलेट द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय चिल्ड्रन इन दियर डेली लाइफ वाइल गोइंग टू स्कूल इन द स्टोरी इन पैसेज 3, हाउ डू दे डील विद दीज डेली स्ट्रगल। जो आपने पढ़ा था थोड़ा पैसेज, हमने 3 पढ़ के बताया था कि स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं काफ़ी स्ट्रगल करके स्कूल जा रहे थे, तो वही आपको बताना है इसमें कि वो डेली लाइफ में किस तरह का स्ट्रगल फेस कर रहे थे अपने स्कूल जाते वक्त, ये आपको बताना है। ये बहुत ईजी है, 10 मार्क्स में आपको लिखना है। इसी तरह से और भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो पैसेज 1 के बेसिस पर आया है। क्या आया है, राइट अ नोट ऑन पैसेज 1 यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स एज वेल एज रिकॉग्निजेबल एब्रीवेशन। नोट मेकिंग करना है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 में, पैसेज 1 का नोट मेकिंग बनाना है आपको। नोट मेकिंग आपने 11th 12th में किया होगा, आई नो कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हो ये। इसके बाद 7th क्वेश्चन है, 7th और 8th क्वेश्चन पैसेज 2 से रिलेटेड होगा। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इंकरेजिंग हिम हर टू गो बियॉन्ड रोल लर्निंग, रिफर टू द पोएम इन पैसेज 2 एंड आंसर इन अराउंड 350 वर्ड्स। तो अपने लेटर, अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है कि उनको इंकरेज करना है कि रोल लर्निंग से आगे बढ़ो। ठीक है, ये आपको पैसेज 2 के अकॉर्डिंग आपको करना है 350 से 500 वर्ड्स में। 8th क्वेश्चन है, पैराफ्राइज द फुल पोएम्स फ्रॉम पैसेज 2, पोएम को पैराफ्राइज करना है आपको अपने वर्ड्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में। 9th क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन आपका है, इन टुडेज टाइम द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स इज नॉट अलूफ फ्रॉम सोसाइटी, राइट 10 टर्म्स ऑफ एक सेकेंड 10 टर्म्स ऑफ डायलॉग बिटवीन यू एंड द स्कूल स्पोर्ट्स टीचर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स इन करिकुलम ड्राइंग ऑन व्हाट यू रीड इन पैसेज 3। बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 9 में आपको डायलॉग राइटिंग आ गई है। ठीक है, 10 आपको 10 टर्म्स लिखने हैं डायलॉग राइटिंग के, आपके बीच में और आपके स्कूल स्पोर्ट्स टीचर हैं उनके बीच में। और डायलॉग राइटिंग जो है उसका मेन जो टॉपिक है वो ये है कि स्कूल एजुकेशन के अंदर स्पोर्ट्स की क्या महत्वता है, स्पोर्ट्स को क्यों इंक्लूड करना चाहिए वो बताना है, बिकॉज पैसेज 3 का रेफरेंस देते हुए करना है। और बिकॉज इन्होंने ये कहा है कि आज के टाइम पे जो स्पोर्ट्स है वो सोसाइटी से अलग नहीं है। स्पोर्ट्स आई थिंक इधर मोटिवेशन फैक्टर काम करता है जो भी है, तो उसकी ज़रूरत क्यों है स्कूल लेवल में, वो आपको डायलॉग राइटिंग में बताना है। 10 मार्क्स में 10 आपको सेंटेंस लिखने हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इमेजिन करो कि आप टीचर हो गवर्नमेंट एडेड स्कूल में इन सम डिस्टेंट विलेज एज डिस्क्राइब इन पैसेज 3, यानी कि जैसे कि पैसेज 3 में कोई विलेज बताया गया है, तो आप भी कोई ऐसे ही विलेज में कोई टीचर हो। आपको रिपोर्ट लिखनी है ऑन द चैलेंजेस टू टीचिंग लर्निंग ड्यू टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इन योर एरिया। एक रिपोर्ट बनानी है आपको, और रिपोर्ट जो बनानी है आपको वो इस पर बनानी है कि क्या चैलेंज आप फेस कर रहे हो ड्यू टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आपका जो एरिया है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, तो उसकी वजह से क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं टीचिंग में, वो आपको उसके ऊपर आपको रिपोर्ट बनानी है। और उसी रिपोर्ट में आपको सजेशन देनी है कि क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं इनको इम्प्रूव करने के लिए, 15 मार्क्स में आपको करना है। तो इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर है जिसका पेपर हम लोगों ने डिस्कस किया। आई नो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई हो, लेकिन आपको यूज़फुल जानकारी ही इस वीडियो में मिली होगी। इसी के साथ दोस्तों अभी के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।